गुड इवनिंग, वेलकम बैक। जानते हैं कल पंचम दा का बर्थडे है। हम लोग पिछले 5 दिनों से उनके सुंदर सुंदर नगमे सुन रहे हैं और हम आगे भी उन्हीं नगमों को लेकर अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। पंचम दा, आशा जी म्यूज़िक बनाते रहे और नए नए लोगों को लॉन्च करते रहे। एक बड़ी ही सुंदर सी फिल्म आई थी, उसका नाम था लव स्टोरी। कुमार गौरव की पहली फिल्म थी, विजेता पंडित थी उसमें और बड़े चुलबुले से गाने थे, चुलबुले से नए लोग थे। और उसमें एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग था, क्या गजब करते हो जी। हमारे लिए हमारी अपनी आशा लेकर आ रही हैं ये गाना दृष्टि बालानी।
लवली परफॉर्मेंस दृष्टि, थैंक यू सो मच। रामपुर का लक्ष्मण एक बड़ी ही सुंदर सी फिल्म है, 1972, रणधीर कपूर और रेखा। हम कभी तो बात करते हैं संजय दत्त की, कभी बात करते हैं रणधीर कपूर और रेखा की। इन सब की आवाज़ों को जो ऊंचाइयों तक लेके जाते थे और उसमें चुलबुलापन भरते थे, वो थे हमारे किशोरदा और आशा जी। हमारे लिए ये गीत लेकर आ रहे हैं सदानंद भोसले एंड संगीता पॉल। हाँ क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? तो सुनाओ ना। सो मच। पता है जब भी मैं अंताक्षरी खेलती हूँ और मुझसे रापे गाना आता है ना, तो मेरा पहला गाना होता है रात कली एक ख्वाब में आई।
ऐसे ही ना मन में बस गए हैं गाने जो पंचमदा हम लोगों के लिए लेकर आए। बुड्ढा मिल गया फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना लेकर आ रहे हैं सतीश कापड़ी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह से जब हम नींद से जागे आँख में से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, एक क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम्ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम्ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमी पर सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख काहे जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे तुम्ही से प्यार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। जैसे पंचमदा के गाने टाइमलेस हैं, वैसे ही पंचम ट्राइब के सिंगर्स टाइमलेस हैं। इतना सुंदर गाया आपने सतीश जी, थैंक यू सो मच। एक बड़ी ही आइकॉनिक सी मूवी है, वो भी बहुत समय से पहले की मूवी थी, और उसका एक गाना है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। ये हमने हमेशा फीमेल वॉइस में सुना है, पर इसका एक बहुत ही इम्पैक्टफुल मेल वर्जन भी है जिसको गाया है एक बंगाली सिंगर अनूप घोषाल जी ने। और हमारे लिए वो गाना गाने के लिए आ रहे हैं, वैसे तो हमारे आरडी होते हैं, पर आज अनूप घोषाल जी को गाने के लिए आ रहे हैं प्रशांत शेट्टी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं।
हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, ओ परेशान संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे, ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। प्रशांत फॉर सच अ लवली परफॉर्मेंस। पंचम द सिर्फ इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट से ही आवाज़ें नहीं निकालते थे। एक मूवी आई थी सत्ते पे सत्ता, जिस पे मुझे बड़ा बुरा लगा था अमिताभ बच्चन को विलन देख के, बट जब उनकी एंट्री हुई थी ना तो वो जो साउंड निकाला था वो सिंगर को पानी मुँह में लेके गार्गल करने के लिए बोला था पंचम दा ने। ऐसे अनूठे थे वो और ऐसे अनूठे काम कराते थे। और उसके बाद इतना सुंदर गाना आया दिल भर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गाना किशोर कुमार ने गाया है अमिताभ बच्चन के लिए, और गणेश नटराजन गा रहे हैं हमारे लिए। Hey,
मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में ओ दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा के पल में निकल जाओगे जो दिल तो महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे होश हो जाएगा प्यार हो जाएगा मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूं कब के पल में पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ हो मैं आग दिल में लगा दूं कब के पल में पिघल जाओगे ऐसे ही तड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूं कब के पल में निकल जाओगे थैंक यू गणेश आगे बढ़ते हैं एक और बड़ा ही मस्ती भरा गाना पूरा का पूरा गाना रोलर स्केट पे हीरो हीरोइन रोलर स्केट पे गा रहे हैं और एक दूसरे को छेड़ रहे हैं आ गले लग जा फिल्म आई थी 1973 में हीरो हीरोइन चले जा रहे हैं रोलर स्केट पे वादा करो कभी न छोड़ेंगे तेरा साथ हमारे लिए ये लेके आ रही हैं इप्सिता नथक एंड इंद्रजीत शिर्के मेरी जान वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ वो नहीं देखो मेरी जान
हंस के मुझे ये कह दो कि ये लबों की नरमी मेरे लिए है। शोखी मेरे लिए है, मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात। जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी एंड इंद्रजीत। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जैसा आज ये शो हो रहा है, हमारे ऐसे अलग अलग भाषाओं में शो होते रहते हैं और जो हर सोशल मीडिया में हम टेलीकास्ट करते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू लिसन टू ऑल मेलोडियस सॉन्ग्स फ्रॉम वॉल्स आर्क अकेडमी। अगला गाना हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं देबू बनर्जी एंड माधुरी रूबड़ी मैम। मूवी का नाम है झूठा कहीं का और गीत है जीवन के हर मोड़ पर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाए
साथ दे, ढूंढे उसी को नजर। माधुरी मैम, पता है हम हमेशा देखते हैं कि बेटा बाप के कदमों पे चलता है, पर क्या कभी हमने ये देखा है कि जिस गाने पे बाप ने डांस किया था उस पे बेटे ने भी डांस किया? इनफैक्ट उसने तो उस गाने के टाइटल की मूवी ही कर डाली। ऐसा ही एक आइकॉनिक सॉन्ग है हम किसी से कम नहीं मूवी का, जो ऋषि कपूर के ऊपर भी फिल्माया गया और फिर बाद में बचना ए हसीनो मूवी में रणवीर कपूर के ऊपर भी फिल्माया गया। हमारे लिए पेश कर रहे हैं रंजीत सिंह, बचना ए हसीनो। Thank you.
हसीनों लो मैं आ गया ए बचना है हसीनों लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा यारों से जुदा बचना है हसीनों लो मैं आ गया ए बचना है हसीनों लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना है हसीनों लो मैं आ गया। दीवाना प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। बचना है हसीनों लो मैं आ गया। उठा तू मैं तो जाऊं जिधर से जीत लेता हूं दिलों को एक हल्की सी नजर से। महबूबों की महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा। बचना है हसीनों लो मैं आ गया ए बचना है हसी गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना है हसीनों लो मैं आ गया। थैंक यू रंजीत। आगे बढ़ते हैं इस कारवां के साथ एक उसी आइकॉनिक मूवी में जिसमें सात भाई थे और उनकी सात गर्लफ्रेंड्स भी थी। और जैसे भाइयों ने अलग अलग गाने गाए या साथ में गाने गाए, बहनों ने भी अपनी सब सहेलियों के साथ गाना गा डाला। मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना हमारे लिए ये गीत लेकर आ रही हैं सत्ते पे सत्ता मूवी से आशा भोसले और दलजीत कौर की आवाज़ में शोभा कदम एंड माधुरी रूपडी मैम। Yeah.
शोभा एंड माधुरी मैम, आपने तो मौसम ही बदल दिया। जैसे ना देश का एंथम होता है, धर्म का एंथम होता है, वैसे दोस्ती का भी एक एंथम है। हम सब गाते हैं, हम सब अपने दोस्तों के लिए, हम सब जब अपने दोस्तों से बिछड़ते हैं, हम जब कॉलेज छोड़ते हैं, एक गीत ज़रूर गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये शोले फिल्म का जो 1975 में आई थी, इस गीत को गाया मन्ना डे ने और किशोर कुमार ने, और हमारे लिए यह गीत प्रस्तुत कर रहे हैं प्रशांत शेट्टी एंड अंशुमन मोहपात्रा। नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे।
हो दो नहीं। अरे हो जुदा या तो पाए खुदा, मैं दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। प्रशांत और अंशुमन ने ये जो गीत गाया ना, ये सिर्फ गीत नहीं था, ये इनकी पुरानी दोस्ती है, जिस दोस्ती को ये हमेशा ऐसे ही हर मंच पर सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच प्रशांत एंड अंशुमन फॉर सिंगिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। 1982 में एक फिल्म आई सनम तेरी कसम, और उसमें एक बहुत ही चुलबुला, बहुत ही पैपी नंबर था निशा। ये वही गाना है जिसके लिए आरडी को फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1982 में। आशा जी ने तो इस गाने से आग ही लगा दी थी, और अब उसी आग को बॉनफायर में बदलने के लिए आ रही हैं दृष्टि बालानी। जानी
आज की शाम यहीं ख़त्म होती है, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता कि ये शाम रुके। पर यदि ये शाम ना रुकेगी तो हम कल पंचमदा का बर्थडे कैसे मनाएंगे? और पंचमदा के बर्थडे के लिए हमारे पास आ रहे हैं भरत आचार्य सर, जिनका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे भगवान हमारे गुरु पंचमदा का जन्मदिन है। आप सब आइए हमारे साथ उनका जन्मदिन मनाइए और बहुत सारे प्यार भरे मस्ती भरे नगमे सुनिए और एंजॉय कीजिए। शब्बा खैर।